रेस्टोरेंट के दो सीक्रेट के साथ बनाएंगे मनचाओ सूप। एक बार आप सूप बनाने की ये रेसिपी ट्राई करें, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्वाद मिलेगा, लेकिन सबसे बेस्ट क्वालिटी का घर पे बनेगा। मनचाओ सूप बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम 1 टीस्पून तेल लेंगे। अभी यहाँ पे गैस की आंच को हम तेज रखेंगे। यहाँ पे तेल में आप सेसमी ऑयल यानी कि तिल का तेल भी ले सकते हो। अब इसमें हम 2 टीस्पून जितना कटा हुआ लहसुन मिलाएंगे। यहाँ पे लहसुन की पेस्ट आप मत लीजिएगा, इस प्रकार कटा हुआ लहसुन ही लेना। इसी के साथ 1 टेबल स्पून कटा हुआ अदरक, साथ ही में 1 टीस्पून इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च मिलाएंगे। तेज आंच पे हम आधे मिनट के लिए भून लेंगे। आप देख सकते हो हमने अदरक लहसुन ज्यादा लिया है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसे अच्छी तरह से भुनने के बाद इसमें हम सब्जियां मिलाएंगे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना बारीक कटा हुआ प्याज है, आधी मैंने शिमला मिर्च ली है, इसी के साथ 2 टेबल स्पून जितनी मैंने गाजर ली है और 2 टेबल स्पून जितनी पत्ता गोभी मिलाएंगे। तेज आंच पे इसे भी चला लेंगे। सब्जियों में आपको जो भी पसंद है आप वो ले सकते हो, जो नहीं पसंद उसे आप स्किप कर सकते हो। इसे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इसे तेज आंच पे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 कप पानी मिलाया है यानी कि 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें हम सारे सॉसेस मिलाएंगे। 2 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप मिलाएंगे, 1 टीस्पून सेजवान चटनी मिलाएंगे। अभी सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी इसे हम अच्छी तरह से उबाल पे आने देंगे। अभी सब कुछ मिलाने के बाद इसमें हम पहला हम सीक्रेट मिलाएंगे जो है मैगी का स्टॉक क्यूब। ये मैं कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेस्टोरेंट में इसका इस्तेमाल होता है और इससे सूप बहुत ही टेस्टी बनता है। क्या आपको मार्केट में ग्रोसरी स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें से इस प्रकार 2 क्यूब आते हैं, इसमें से हम सिर्फ 1 ही डालेंगे। अगर आपको ये नहीं मिलता तो इसकी जगह आप वेजिटेबल स्टॉक बना लीजिए और उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। ये जो स्टॉक क्यूब है इसे हम इस प्रकार तोड़ के डाल देंगे। और हमारा दूसरा सीक्रेट है 1/2 टीस्पून एरोमेट पाउडर। तो ये भी रेस्टोरेंट में डाला जाता है, तो रेस्टोरेंट में कैसे बनता है मैं आपको वो दिखा रहा हूं, लेकिन इसके बिना भी आप इसे बना ही सकते हो। एरोमेट पाउडर की जगह पे रिप्लेसमेंट होता है MSG, लेकिन MSG हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता तो हम उसे नहीं डालते। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक पिलाएंगे। ये जो सारे सॉसेस हमने मिले उसमें नमक पहले से ही होता है, तो नमक हम वो ध्यान में रख के मिलाएंगे। और साथ ही में 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अभी सूप को गाढ़ा बनाने के लिए हम एक स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून हम पानी मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी ये जो स्लरी है वो सारी नहीं डालनी है, इस प्रकार हम थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी आप देख सकते हो सूप की गाढ़े होने की सूरत हो गई है। तो इसे हम अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेंगे और जो कॉर्नफ्लावर हमने मिला है वो भी अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। जब तक ये गाढ़ा हो रहा है आखिर में इसमें हम 2 सामग्री और मिलाएंगे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून में विनेगर ले रहा हूँ और साथ ही में 1 चम्मच हम हरा प्याज मिलाएंगे। अभी आपको जितना गाढ़ा सूप पसंद है उस हिसाब से ये स्टेज पे इसे उबाल लेना है। अभी सूप को मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया है, आप देख सकते हो इसकी जो कंसिस्टेंसी है परफेक्ट हो गई है। तो अभी हम सर्व कर देंगे। अभी सूप तैयार है, इसके ऊपर हम फ्राइड नूडल्स मिलाएंगे। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऊपर से थोड़ा हरा प्याज के साथ इसे गार्निश करेंगे। ये लीजिए सुपर टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल मनचाओ सूप तैयार है। सूप की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फिर से एक मस्त रेसिपी के साथ जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।